जिंदगी में पहली बार सूट पहना रहा मैं तो बहुत गंदी लागू हूँ। बोल बकवास कर रहा थी। देख लो फ्रीज में कितने टमाटर टमाटर हो गए। हेलो जी, राम राम जी सारे ने। तो स्वागत है आपका अपने को नए ब्लॉग में। तो जो भी चैनल पर नए आवे हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दियो। तो ब्लॉग ने मैं कर दियो हूँ स्टार्ट। तो दोपहर के बज रहे हैं, एक बज रहा है, सवा एक बज रहा है। तो आज मैं सोई नहीं हूँ, तो मैं साढ़े बारह पौने एक बजे सो जाया करती, एक घंटा मतलब रेस्ट ले लिया करती। तो आज मैंने यूँ नहीं सोई, मतलब आज मारा पानी पहले आ लिया, नहीं तो 2 बजे पानी आया करता, इतने तो मूँ उठ लिया करती। तो आज पहले पानी आ गया, फिर मैं सोई नहीं, फिर मखा एक बज गया ही, सवा एक बज गया ही सोऊंगी तो आधा घंटा रह रहा है, तो इतना मखा मैं प्रेस कर लूँ तब तक। तो भी बच्चे आ जाएंगे, फिर बाद में थोड़ी देर देखूँगी, रेस्ट करूँगी। तो नहीं तो फिर वह कुर्ती सोचो थी सिलन की, तो वह भी नहीं सिली। नायरा कट तो सिलती नहीं, उसका तो मैं सूटे सिलूँ, क्योंकि नायरा कट को ना सुतरा लगा, फिर बार भीतरी सुतरा लगेगा वो सूट ना, पैर तो लेंगे इसकी रिवाज तो ना जागी। तो पापा आए थे, इवनू कहते पानी भर गया, ये तो मैं ड्राम ना कराऊँ बंद, ड्राम ने नहीं नल क्या ना बंद कराऊँ, मुँह में तो की बरा किक्के लकड़े जा। और गाँव भी कुछ सुता तेज हो गया है, इतना गुंडा काम हो गया, जब मैं कहती पंखा ने चल सीने आवे हैं तो नल क्या ना कर दो मैं बंद, पानी आ गया। देख सको आप कितना गुंडा गम बन लग रहा है। साथ में पापा गेट खुला छोड़ गए हैं, और गेट ने बंद कर दिया क्योंकि खागड़ आ जाए, कुत्ते आ जाए हैं, तो गेट ने कर दिया बंद। तो ईट लगा दिया करो, बाड़ा खोल लें फिर करकाड़ ईट लगा दूँ, तो ये बच्चे आवेंगे ना जब खोल ले गएंगे। तो यार उन्होंने ईट लगा दी है, गायें भी विश्राम फिर मारी है, और उन्होंने नो बाछड़ा भी आराम से बैठा है। तो ये मैं रसोई ने देख लूँ पापा के इसमें अंदर कर गया है। तो पापा नींबू टमाटर और आम और साथ में ये बर्तन है, ये देखूँ कि हैं। तो पापा ये बर्तन लेकर आए हैं बड़े बड़े, तो पापा नाम लिखा के ले, मतलब अगर खतरे ले आए हैं तो तीसरे ही बड़ा गिलास है, और ये गिलास लेकर आए हैं। और हमारे इतने बर्तन धरे हैं बहुत बड़े, पापा से भी लेकर आए जहाँ नरे पास नरे का रहे, सारे अपना नाम लिखा के ले रहे हैं पापा अपना। तो ये डाल दूंगा इतने का सुनो रहे हैं, मैं समान इधर उधर का आ रहा है, मोरे गिलास है एक, मतलब इतनी बड़ी ड्रामे वहाँ भी ओडो ओडो गिलास है, एक बड़ी है ये भी, इसमें तो बड़े भी हैं गिलास थे। तो ये फिर दोबारा से पैक करके रखने पड़ेंगे, गिलास लेकर रहे हो ये भी सामान मैं फ्रीज में रख दूँ, नहीं तो खराब हो जाएंगे क्योंकि गर्मी गर्मी है। लो फ्रीज में कितने टमाटर टमाटर हो गए हैं, देखो आड़े भी टमाटर, आड़े भी टमाटर, मन कभी और लागन लग गया, देखो ये हो रहा, देखो ये री जामन को डोडो की जामन। तो ई बज रहे हैं 4:30 और मैं सो गई थी, मैं एक घंटा सोई हूँ। और इशारा सोती थी पा लागन का, मम्मी मम्मी तिल्ला कुल्फी वाला आ गया आइसक्रीम पिला दे, सॉरी मगर तू चुप रह छोरी मैंने सोन दे, बार बार मम्मी यार बात कर मम्मी, आज मुड़ सो गई देखिए लोग आई, ए मेरी बिट्टी जी अरे उठती है, देख इस छोरी ने स्कूल में तंदे कोई एहसास नहीं, देखो आती इन माटी को लग जाए, कदे क्या है मैं और कदे क्या है वहाँ दिशु, ये बोल हेलो गाइस, बताइए मेरी कौन सी कटोरी है। हाँ बता, खेलने की माटी की, खेलने की है। हाँ अच्छा, किसका बन रही हो? पापा का। देख सब के मकर है मम्मी, अरे बंदर पापा का है। तो मैं उठी तो मैंने देखा तो बारिश का मौसम हो रहा है, शायद बारिश आएगी, आ जाए तो बढ़िया है, ठंडा मौसम हो जाएगा, नहीं गर्मी हो रही है। मैं फ़ोन लगा दूँ चार्जिंग और मेरी बना लूँ चाय, क्योंकि फ़ोन की बैटरी हो रही है डेड। अगर बच्चे आ गए हैं खेलने, तो ये है बूवी और ये है मेरा, तो ये दोनों बच्चे खेलने आ गए हैं। और इशाना सूट पहनना आ गया जिंदगी में पहली बार है ना ये। और यार देख कितना प्यारा सूट डाल रहा है, किसने सी में ये धोती सलवार है क्या? किसने सिल लिया तेरी मम्मी ने? ना, तो विभाग छोरी ने वो सुतरा। अच्छा दिव्या ना मम्मी, तो ईशाना का पैंट फंस नहीं रही, तो वा देख बार बार जिन बहुत गंदी लागू सूट पर है पचार, इतनी सुतरी लाग देख सूट। ए और ना ईशाना दिखा, आइए बाबू देव छोरी ने सूट पर है पच के और आए ईशाना दिखा, रुकिए बेटा डट जा मैं मार दूंगी देख ले, रुकिए बाबू रुकिए, बराजान दे
देख आज जिंदगी में पहली बार सूट पहना रहा हूं मैं तो बहुत गंदी लागू बोल हाँ। दिखा दे अंडा उंडाला फैशन शो मारी दिखा दे तो दे दिशो आज बहुत अच्छा गाना सुना रही थी सुनाई बिना बिट्टा इतना बढ़िया गाना सुनाती है बेरा ने मेरी माँ क्यों कर कहती सुनाइए सुना दे बाबू बहुत प्यारा गाना सुना थी फिर इसको चॉकलेट मिलेगी ना जल्दी से सुनाओ दिशु ले सुना तो अभी राज्य होगी है दिशु सुना थी सुना सुना दे को धीरी भाई बेदे आती झूठ बोलने लग रही सुना दे मेरे बच्चे दे कितनी झूठ बोल रहा है दे कितनी झूठ बोल रहा है सारा का बच्चा के कंपटीशन कराओ तो ये चाहे तीन तीन तक सुनाओ अच्छा गाना सुनाओगी दिशु गाना सुनाओगी सुना लड़ाई क्या हो गया दिशु ला इसका एयरबैंड खोस कर लेकर आ जा ला खोस कर ला चुप हो जा खड़ी हो जा क्या बात है तो यदि शो अपने बाल धोई है ड्रेसिंग करके खड़ी होकर हेलमेट लगाओगी भी यार पूरा सिर धोखा रही है तो यह धोया ही सिर बाल बाने देख ली इसका स्टाइल ए टीचर क्या करी बेटा नू आजा जल्दी आजा इसका बाल बाने का स्टाइल देखो दिशु ने अपने एक घंटा में बाए हैं बाल दिखाई दिशु हेलो मैं भी देखने का ना आज दिखाऊंगी आज अपने बाल कभी हाथ नहीं लाने देते ना मेरे बाल ना बिगाड़ो इनके बीच में कंपटीशन करवा दूंगा तो देखेंगे सब तो पहला कौन सी आंख बंद करेगी अपनी तो मतलब अपनी प्लग नहीं जो पकड़ी है ठीक है दोनों के बीच में कंपटीशन होगा अब जोन से फिर जीतेगी फिर शाना के और तेरे उसके बीच में होगा ठीक है चलो देखेंगे स्टार्ट वन रुक जा पहले बोलूंगी मैं थ्री बोलूंगी जब स्टार्ट हो जाएगा प्रोग्राम ठीक है इतना अपने कितने प्लग जपक लो वन टू थ्री स्टार्ट अब नहीं जपकनी ए खोल ले आंख बूवी आंख खोलनी है बंद नहीं करनी ठीक है दोबारा शुरू होगा वन टू थ्री स्टार्ट यार ये तो इशाना खा रही है बाओ तो इसके और मेरे बीच में होगा वन टू थ्री स्टार्ट आ रही तो आज मैं मतलब काम करू थी तो फोन आया आंगनवाड़ी में थे तो बोले बोले आपके जैसे दूसरी रिशू हुई थी ना तो जब इन्हें डॉक्यूमेंट जमा कराए थे भी दूसरी बेटी हुई है तो उनने मिट्टी मतलब अब आपकी बेटी हमारी बेटी सब कुछ दिया था कि मतलब है ना सरकार दे पैसे दूसरी बेटी होने पे तो 21,000 का जो वो आया गया ना वो प्रूफ होया गया तो वो मैंने मिल गया है दिशु के नाम का तो मतलब 21,000 की समझ लो मेरी तो लॉटरी लग गई और बारह भी इतनी तेज चल लग रही है पेड़ा नू झोले खान लग रहा है तो मेरी 21,000 की लॉटरी लगी है तो पर इबे नहीं निकलवा सकते उनने माती सिर्फ प्रूफ दिया है कि है ना आप जब ये 18 साल की हो जाएगी 18 साल के बाद जब इसकी शादी कराएंगी तो जब निकलवास कहाँ इतना वे मतलब डिपॉजिट हो गया इसके उसमें तो मतलब वो आपके पास प्रूफ है जब शादी होगी तो जब भी निकलवास कहाँ इतना उसका ब्याज ब्यूज लगता होगा बेरानी के कुछ है लेकिन उन नयू की है ये संभाल कर रखना है तो मेरी 21,000 की लॉटरी लग गई है तो ठीक है मतलब बहुत खुश हुआ दिल में चलो वो है ना फिर मैं तो बात ना बिल्कुल भूल लेगी थी लेकिन अचानक तो फोन आया बोली वो ले जाओ आप फिर मैं लेकर आई तो माँ चलो कोई ना फिर मैंने संभाल कर रख दिया वो तो अपने डॉक्यूमेंट्स है जिसमें मैंने रख रखे हैं तो आज का ब्लॉग मैं ऐड ही कर दूंगा दी एंड तो फिर मिलेंगे को नेक्स्ट ब्लॉग में बाय बाय एंड टेक केयर।